Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. My name is Abu Bakr Khan and welcome back to my YouTube channel. देखिए जी, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं यूक्रेन में रहता हूँ. तो मैंने सोचा एक अ डे इन अ लाइफ व्लॉग बनाया जाए, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं अपना पूरा दिन कैसे गुजारता हूँ एज अ मेडिकल स्टूडेंट, मेरी क्लासेस कैसे चलती हैं, यहाँ पर यूक्रेन में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ताकि आप लोगों को भी एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि वॉर सिचुएशन में भी यूक्रेन कैसे चल रहा है. क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच अभी भी वॉर चल रहा है, और हम यहाँ काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए वापस इंडिया से यूक्रेन आना पड़ा. I usually wake up at 5:30 or 6 a.m. in the morning. It totally depends on the timing of Fajr. Then I take shower or make wudu. और अगर उसके बाद मेरी क्लास जल्दी हो, जैसे कि सुबह 8 बजे, तो मैं अपनी क्लास की तैयारी करता हूँ. नहीं तो मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद. मेरी हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं जो मेरी सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती हैं, वरना मैक्सिमम क्लासेस मेरी 9:30 बजे या 10 बजे से स्टार्ट होती हैं. क्योंकि मेरी क्लास आज जल्दी थी, तो मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं फटाफट से तैयार हो गया क्लास के लिए. उसके बाद मैं क्लास के लिए निकला और मैं बस स्टैंड पर पहुंचा, और मुझे वहां जाकर एक सरप्राइज मिला. Right now I'm waiting for the bus. आज 4 क्लासेस हैं मेरी, ये पहली क्लास है. आई एम ऑलरेडी लेट. 9:40 में मेरी क्लास स्टार्ट है, बट इट्स ऑलरेडी 9:30 आई गेस. या इट्स ऑलरेडी 9:30. बस आ नहीं रही है. आगे काफ़ी देर बस का इंतज़ार करके आखिरकार बस आई और मैं बस में चढ़ा. ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब उजनू के स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग टीचर भी हैं. ये पूरी बस उजनू जाकर ही खाली हुई. आज वेदर भी बहुत अच्छा था. पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन का वेदर बहुत बेकार चल रहा था, स्पेशली उजगोरोद का. यहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, लेकिन पिछले 2 दिन में यहाँ पर मौसम ने चेंज लाया अपने अंदर और मौसम थोड़ा ठंडा हुआ. बस के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी. मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा. यूनिवर्सिटी पहुंच के मैंने टाइम देखा तो मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका था. ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, एक यहाँ पर हॉस्पिटल है और एक यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट है जहाँ पर क्लासेस लगती हैं. मैं जैसी बिल्डिंग में एंटर हुआ तो देखा सारे रूम फुल हैं. आज काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे यूनिवर्सिटी के अंदर. I'm late. इस क्लास में भी पता नहीं क्या होता है, इस क्लास में हमेशा लेट हो जाता हूँ. I have to climb the stairs. Technically मैं लेट नहीं हूँ, बस लेट थी, बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया. I have to make some excuse so that teacher मुझे allow कर दे क्लास में बैठने के लिए. Prati. Yep. Waiting for the cam? Yep. ये देखो डॉक्टर होके ये सिगरेट पी रहा. पहला पेशेंट तू बनेगा. अपने साथ साथ हमें भी कैंसर करेगा. डन विद द फॉरेन लैंग्वेज क्लास. अब जा रहे हैं रेडियोलॉजी के लिए. अरे चुप रहो यार. अब रेडियोलॉजी के लिए जा रहे हैं. यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है. कितना है? ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है यहाँ से. सो एट द एंड ऑफ द उजगोरोद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट. हाँ, अभी कैब बुलाई है. पता है सबसे बड़ी बुरी बात क्या है? हमारी 11 बजे फॉरेन लैंग्वेज की क्लास ख़त्म होती है, एंड नेक्स्ट क्लास का टाइम भी 11 बजे है. आई गेस 11:20 है, बट वो प्रोफेसर मान नहीं रहा, कह रहे नहीं 11 बजे ही है. तो अब 11 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा. रेडियोलॉजी के लिए हमने कैब की और हमारे लिए एंड्रयू टेट की बुगाटी आई. हम लोग इसके अंदर बैठे. हमारे से ड्राइवर ने बोला वाई आर यू रिकॉर्डिंग. हमने बोला वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग फॉर व्लॉग. तो कहने लगा ओके इट्स फाइन. वो घबरा गया था, वो सोच रहा था कि पता नहीं क्यों हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं.
अभी हम आ गए अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, बेसिकली ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ये हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, और हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बोला तो है कि वो आज क्लास लेंगे, बट पिछली दो क्लासों से ऐसा हो रहा है कि वो सर्जरी में हो रहा है, तो हमारी क्लास ऑनलाइन ही चल रही है। पिछला था एक मॉड्यूल था, मॉड्यूल था पिछली क्लास में, तो इस वजह से क्लास हुई नहीं। जब हम रेडियोलॉजी क्लास पहुंचे, वहां जाके हमें याद आया कि हमने शू कवर तो लिए ही नहीं। तो मुझे अभय ने बताया कि हमें शू कवर लेके जाने थे, लेकिन आज सर ने नोटिस नहीं किया उस चीज़ को। ये हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारी रेडियोलॉजी क्लास होती है। यहाँ पे मैक्सिमम सर्जन्स हैं जो कि कैंसर से रिलेटेड सर्जरीज वगैरह करते हैं, और आज हमें सर ने बताया कि वो US के अंदर भी एज अ सर्जन प्रैक्टिस कर चुके हैं कुछ साल। Done from radiology class. Now we are going for microbiology, and we have viral infections and the classification of viruses. It's a big topic. I was preparing for it all night. That's why I couldn't be able to sleep all night. But I don't know. I'll pass this topic or not. Let's see. रेडियोलॉजी के बाद हमारी माइक्रोबायोलॉजी क्लास थी, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये मेरी फेवरेट क्लास है। एंड स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी की टीचर, शी इज़ माय फेवरेट। हम लोग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से बाय वॉक मेडिकल फैकल्टी 1 पर पहुँचे, जिसका डिस्टेंस अराउंड 4.5 किलोमीटर्स पड़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। This is our anatomy department, medical faculty 1. मेडिकल फैकल्टी 1 पहुंचकर मैं आप लोगों को अपने ग्रुपमेट से मिलवाता हूं। बाय द वे, मैं इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटर हूं। से हाय गाइस, दिस इज माय होल ग्रुप। गाइस आज हिस्ट्री बन गई, ज्यादा पहली बार में पढ़ते हुए दिखे। ये देखना भाई, सूरज निकला है, तो कौन से डायरेक्शन से निकला है? सूरज निकला है। अरे 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 अरे, विघ्नेश व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग? ब्रेकफास्ट टाइम वन ओ साइड पे थे। क्या देख लो भाई, ये हालत होती है अगर मेडिसिन में आ जाओगे। ये देखो, मुझे ब्रेकफास्ट कर रहा है ये लोग। और यहाँ हम लोगों के बीच में छोटा सा डिस्कशन चल रहा था। वायरस वायरस क्यों होता है? होता है, 3 डेट में देखा था। अरे हमने इसको ना आईपैड पेज होता है जो, उस वाली पीडीएफ दे दी इसके में, वो चाइनीज में खुली वैसे कहता है फोन करके, भाई तुमने तो सच का वायरस भेज दिया। Ma'am, who is your favorite student in whole group? Oh, my favorite student. What about me, ma'am? You're the same. You are the same. but I got 5 marks in every class. Every class, yeah. You're the best student. Thank you, ma'am. Thank you so much. तू इनकी लड़ाई करवा दे यार। पीडिया में जाना है अब।
I'm done with the microbiology and now I'm going for pediatrics. मतलब दोनों हॉस्पिटल पास पास हैं और अब मैं इस वाले हॉस्पिटल में जाऊँगा जहाँ से 4 बजे क्लास ख़त्म होगी। ट्यूसडे सबसे ज़्यादा हेक्टिक डे रहता है क्योंकि इसके अंदर लगातार 4 क्लासेज हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे की एक क्लास रहती है और कोई ब्रेक नहीं है बीच में, क्योंकि जो ब्रेक मिलता है उससे जो डिस्टेंस होता है एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच का वो कवर करने में सारा निकल जाता है। अभी 2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, ये शॉर्ट थ्रोट है और कुछ खा भी रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गले में प्रॉब्लम हो रही है। बट आज ब्लॉग की प्लानिंग करी मैंने और ब्लॉग का मैं काफ़ी वक्त से सोच रहा था, मैंने बीच में अपडेट भी डाला बट इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाया। मैं पिछले 4 से 5 महीने से कोई व्लॉग नहीं आया, मैं गायब हूँ बिल्कुल। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी कि तुमने व्लॉगिंग छोड़ दी, क्या वजह है? तो यही वजह थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्लासेस की वजह से। अब मैं थोड़ा सा जो सारी चीज़ें हैं वो रूटीन में आई हैं तो अब मैं दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। ये हमारा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, बेसिकली एक बच्चों का हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हमारी क्लास के दौरान भी कई बार ओपीडी आ जाती है हमारे सर के पास, जैसे कि आज एक ऑटिस्टिक चाइल्ड आया था, उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी। पीडियाट्रिक्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद आपका भाई स्वैग के साथ बाहर आते हुए, ठीक है 50 रुपए काट लो और एक्टिंग के यहाँ पे। That's it. It was my last class. अब अपने अपार्टमेंट जाऊँगा। कभी कभी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, दोस्तों से सबसे इतना दूर आते हैं। एक अनजान देश जहाँ की भाषा हम नहीं जानते, जहाँ के लोगों को हम नहीं जानते, जहाँ कोई अपना नहीं है। कभी कभी मन में अकेलेपन में ये ख्याल आता है कि क्या ये वर्थ इट है, इतना स्ट्रगल, इतना सेक्रीफाइस, इतना अपनों से दूरियां, इज इट रियली वर्थ इट। मुझे यहाँ जाकिर खान की एक बात याद आती है। जाकिर खान बोलता है, जब आप अपने घर से दूर होते हो, मजबूरी में हो या फिर अपनी मर्जी से हो, तो आप ऐसे टूट के अलग नहीं होते, जैसे एक कपड़ा चिर जाता है आप ऐसे चिर के अलग होते हो, रेशे वहीं जुड़े रहते हैं लेकिन वो दूरी और वो गैप आ जाता है बीच में। Lily, hi. How are you? Where's Bagheera? Hi, Bagheera. How are you? घर आकर लीली और बगीरा को हाय कहने के बाद मैंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मैं पुरसुकून नींद सो गया क्योंकि मैं पूरे दिन का बहुत थका हुआ था। और मैं भी अपना व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।